Hey everyone, welcome again to Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about neck. आज हमारा topic है neck से concern. हम discuss करेंगे neck के बारे में. कुछ important key elements discuss करेंगे हम. क्या है आपका neck? National Assessment and Accreditation Council. National Assessment and Accreditation Council. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे नेक क्या है और क्या काम है इसका, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पेपर वन में मिलेगा इसके बारे में और एक क्वेश्चन आपका पेपर टू एजुकेशन उसकी यूनिट टू का पार्ट है. सारी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस कर देंगे हम. आप जो है बूस्टर कोर्स भी ले सकते हैं, उसमें सभी यूनिट वाइज सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं. तो अभी बात करते हैं फिलहाल नेक के बारे में. देखिए नेक जो है ये नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. तो आपकी कुछ की एलिमेंट्स को मैं मेंशन करूंगी बोर्ड पर ताकि आपको याद हो कि इतने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हमारे लिए जरूरी है. तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, एक्रेडिटेशन का मतलब होता है मान्यता देना. ठीक है, मान्यता देना. तो एक्रेडिटेशन काउंसिल जिसमें हम मान्यता देते हैं, तो क्या हुआ था कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए मान्यता देने की बात की गई. हमारी जो NPE फर्स्ट पॉलिसी आई थी 68 में, देन आपकी नेक्स्ट पॉलिसी आई थी 86 में. तो जो 1986 की पॉलिसी थी उसमें कहा गया कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो हायर एजुकेशन सिस्टम पे कुछ कंट्रोलिंग करे, कुछ एक्रेडिटेशन का काम करे, असेसमेंट करे. तब इसी रिकमेंडेशन में अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी रिकमेंडेशन में नेक आया था, तो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की रिकमेंडेशन के अंदर नेक को इंट्रोड्यूस किया गया था. और तब जाकर 1994 में इस्टैब्लिश हुआ नेक. कुछ बेसिक सी की एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे हम क्लास में. तो क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट की एलिमेंट्स हैं वो मैंशन करते हैं. ठीक है, तो इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं आपके. पहला, इट इज एन ऑटोनमस बॉडी. नेक कैसी बॉडी है? ऑटोनमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है. ये आपका 2023 का क्वेश्चन है कि नेक किस टाइप की बॉडी है? ऑटोनमस बॉडी है. ऑटोनमस बॉडी क्या होता है? ऑटोनमस बॉडी मतलब कि जिसमें आप खुद से अपना काम करेंगे, आप ऑटोनमस हैं. और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है कि पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू आप पास करते हैं. तो कोई पार्लियामेंट्री एक्ट पास हुआ फिर जाकर आप स्टैट्यूटरी बॉडी बने. तो नेक किस टाइप की बॉडी है? ऑटोनमस बॉडी है. नेक्स्ट, अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें, एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1994. आपको एक ईयर मेंशन कर लेना है कि किस ईयर में हुआ था. मैथ्स और पॉलिटिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे. ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन नेक है, ये कब इस्टैब्लिश हुए थे. तो आपको इनका बेसिक ईयर याद करना है. अब बहुत सारे ईयर होते हैं भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको इसका प्रीवियस जो रिकमेंडेशन है वो बता दी कि NPE 1986 की रिकमेंडेशन के बाद नेक 1994 में इस्टैब्लिश हुआ. ठीक है, और बात कर रहे हैं इसकी. इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु. हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु. कुछ की एलिमेंट जो आपको टेस्ट में होने चाहिए अगर आप पेपर वन और पेपर टू आए तो किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर टू कॉमर्स हो, साइकोलॉजी हो, ये पेपर वन का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है और बाकी सारे पेपर टू के लिए भी इम्पोर्टेंट है. तो बेंगलुरु में इसका है हेडक्वार्टर. क्लियर. नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसके 7 क्राइटेरिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 7 क्राइटेरियाज हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं. वो भी मैं आपको मेंशन करूंगी कौन से 7 क्राइटेरियाज हैं. लेकिन अब और कुछ बात करें इसके बारे में. ऑटोनमस बॉडी है, 1992 में एस्टैब्लिश हुई, 94 में एस्टैब्लिश हुई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के रिकमेंडेशन में आया, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में. बच्चे यूजुअली गलती करते हैं कि हेडक्वार्टर दिल्ली बना देते हैं, तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, इस हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु. ठीक है, और इसमें जो आपका CGPA है वो 4 पॉइंट्स के ऊपर है. अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी कि आपको मार्क्स दिए जाएंगे 4 CGPA के अकॉर्डिंग. ठीक है, कि किसको A++ मिलेगा, किसको A मिलेगा, इस तरीके से. और इसके कुछ और एलिमेंट्स की मैं अगर बात करूँ, जो नेक है वो जब भी आप करवाएंगे हायर एजुकेशन के लिए दैट इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स. दैट इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स. 5 साल तक वो वैलिड रहेगा. 5 साल के बाद आप वापस से हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आपको नेक की रिक्वायरमेंट होगी. अब नेक करवाता कौन है? 2 टर्म्स है बच्चे. ठीक है, तो जितने भी नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हम करने वाले हैं। और जितने भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिससे कि आपकी और एक बेसिक जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी, नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए है लिंक। जितने भी नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए है लिंक, क्लियर। और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए है एनबीए, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो एस्टैब्लिश हुआ है AICTE के थ्रू। तीन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके सिर्फ एक बेसिक से अंडरस्टैंडिंग से कि एनबीए जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और जो नेक है वो UGC की पेरेंट एजेंसी पे है। मतलब कि इसे सपोर्ट कौन कर रहा है? UGC पेरेंट एजेंसी है इसकी, लेकिन फिर भी ये कैसी बॉडी है? ऑटोनमस बॉडी है। तो इतने बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नेक के बारे में पता होनी चाहिए। तो नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो काम करेगा हायर एजुकेशन पे असेसमेंट और एक्रेडिटेशन का, दैट इज नेक। और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करेगा एनबीए, क्लियर, जो एस्टैब्लिश है या उसकी पेरेंट एजेंसी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, क्लियर। अब हम करेंगे कुछ 7 क्राइटेरिया की बात और किस किस में A+ इस तरीके से इसको मार्क्स मिले हैं, क्लियर। देखिए कुछ नेक के जो ग्रेड्स हैं इंस्टीट्यूशन के, तो इसमें आपके स्केल्स इस तरीके से मेंशन है। कुछ बेसिक स्केल्स की मैं बात करूं, दैट इज फॉर A++, देन वी हैव 2.6 से 3.50 A+, देन 3.01 to 3.25, दैट इज A, देन नेक्स्ट 2.76 to 3.0, दैट इज B++, नेक्स्ट वी हैव 2.51 to 2.75, दैट इज B, नेक्स्ट वी हैव 2.01 to 2.5, दैट इज B, नेक्स्ट 1.51 to 2.00, दैट इज C, एंड लेस देन इक्वल टू 1.50, दैट इज D। तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इन चीजों को ध्यान रखना है, पहले दो को और लास्ट को, क्योंकि लास्ट का मतलब है नॉट accredited, इसे accredited नहीं किया गया। First we have 3.51 to 4, A++ and accreditation obviously, 3.26 to 3.5, A+, ठीक है। B के लिए आप देख सकते हैं कि 3 के आसपास होना चाहिए, लेकिन जो 1.5 से नीचे है, 1.5 के इक्वल है, तो वो accredited ही नहीं है, उन institutions को मान्यता ही नहीं दी गई। तो कुछ यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन सिस्टम A+, A++ पर हैं, B+ पर हैं, लेकिन इनको इनका नेक हुआ है और इम्प्रूवमेंट की स्टेज है, ठीक है, नेक के उन्होंने कंडक्ट करवाया, अपना एक स्केल लिया, तो उसे बोलेंगे 4.CGP, ठीक है, क्यूमुलेटिव बेरिंग आपका पॉइंटिंग स्केल होता है, तो ये 4 मैक्सिमम है, इसलिए 4 बोला गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हो गए। तो आपको पहले दो और लास्ट का ध्यान रखना है। तो आपको इस तरीके से असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि 1.50 पे एक्रेडिटेशन पॉसिबल है नहीं है, स्टेटमेंट्स दे दी, वन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टू, तो आपको जितनी कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी आप इसलिए कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले दो पॉइंट और इसका PDF मैं शेयर करूंगी आपसे व्हाट्सएप पर, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके 7 क्राइटेरियाज की। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट 7 क्राइटेरियाज ऑफ नेक, ठीक है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है आपका करिकुलर की बात की। इसके मार्क्स भी अगर मैं मेंशन करूं यूनिवर्सिटीज के लिए, दैट इज 150। नेक्स्ट वी हैव टीचिंग एंड लर्निंग, नेक्स्ट वी हैव टीचिंग एंड लर्निंग, मार्क्स की बात की जाए 200। थर्ड बेंच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन। ये 7 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मार्क्स दैट इज 250। यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है यहाँ पर। फोर्थ क्राइटेरिया में है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैंने ग्रुप में भी आपसे शेयर किया है इसका एक छोटा सा नोट,
बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज 100 स्टूडेंट्स फॉर एंड मैं एक्सप्लेन भी करूंगी किस तरीके से ये है. Student support and progression that is also 400. Next we have governance, leadership and management. That is also 400. Next we have institutional values and best practice. Also 400. Total we have to take 1000 words. बहुत इंपॉर्टेंट है 7 क्राइटेरियाज को पता करना. करिकुलम क्या है, मतलब मान लीजिए आपको यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, तो करिकुलम कैसा है. करिकुलम की बात की जाए तो करिकुलम को 150 मार्क्स दिए गए कि बच्चों का करिकुलम कैसा है, कि वहाँ पर करिकुलम के लिए क्या किस तरीके से एडवांस करिकुलम को यूज़ किया गया है कि नहीं, ICT का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, करिकुलम आस्पेक्ट्स. नेक्स्ट है टीचिंग एंड लर्निंग, टीचर्स का क्या रोल है, टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस कितनी अच्छी है, क्लासरूम एनवायरमेंट किस तरीके से है, जो भी आपका टीचिंग लर्निंग में आता है, दैट इज फॉर 200. देन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं आपके 250. ये भी क्वेश्चन बनता है कि रिसर्च इनोवेशन और एक्सटेंशन कि आप अपनी फैकल्टी के लिए क्या कर रहे हैं, FDP फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि नहीं, रिसर्चेस के ऊपर काम किया जा रहा है कि नहीं, इनोवेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, कितने आपके फैकल्टी हैं जो PhD हैं, नेट है, तो ये रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन. आप कितने सेमिनार्स कंडक्ट करवा रहे हैं एज ए यूनिवर्सिटी, आप क्या कॉन्फ्रेंस अरेंज करवा रहे हैं, तो रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन दैट इज 250. फिर आप कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, 100. स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेस, स्टूडेंट सपोर्ट और प्रोग्रेस कितना है, स्टूडेंट्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, दैट इज 100. देन वी हैव गवर्नमेंट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट 100. देन इंस्टीट्यूशनल वैल्यू एंड बेस्ट प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज किन कवैल्यूज पे काम कर रहा है, दैट इज ऑल्सो 400. तो ये है वो इंपॉर्टेंट 7 क्राइटेरियाज. क्लियर? तो करिकुलम कैसा है, टीचिंग लर्निंग साथ साथ हो गया, रिसर्च और इनोवेशन, फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएंगे, स्टूडेंट सपोर्ट पर आएंगे, देन गवर्नेंस, लीडरशिप और मैनेजमेंट किस तरह की मैनेजमेंट है, एंड देन इंस्टीट्यूशन वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिस. PDF ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, आई विल शेयर इट अगेन. तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट 7 क्राइटेरियाज अबाउट NEC. तो हमने NEC के बारे में पढ़ लिया कि क्या है. अभी एक और मैं आपसे बात डिस्कस करूँ, तो NEC जो है वो काम करता है दो तरीके से. एक होती है इसकी जनरल काउंसिल एंड सेकेंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल. क्लियर? तो जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इस तरीके से NEC का काम होगा. अगर हम एक छोटी सी रिवीजन भी लें तो हम सीखे अगर NEC के बारे में हमने क्या क्या सीखा अभी. तो NEC एक ऑटोनोमस बॉडी है, पेरेंट एजेंसी है UGC, इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में. आपको मैंने जब भी कोई ईयर रन करवाया है या कोई भी हमने कमेटी कमीशन कुछ भी डिस्कस किया है तो हम पीछे का कुछ डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको उनकी थ्योरी समझ आए कि कैसे गलती नहीं हो सकती. तो 86 के बाद 94 आता है तो आपको याद रहेगा कि 86 के रिकमेंडेशन में NEC को मैंशन किया गया. हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, 7 क्राइटेरियाज हैं, CGPA है 4 points के और 5 years तक आपका NEC वैलिड रहेगा, अगेन आपको करवाना होगा. और इसकी अगर थ्योरी समझें तो NEC जो है वो नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करेगा. जहाँ भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को जज करता है या चेक करता है या उसकी असेसमेंट करता है NBA. NBA क्यों है, जिसकी पेरेंट एजेंसी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ये भी आपका 1987 में इस्टैब्लिश हुआ था. तो अब यहाँ पे NBA है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन. फिर अगर हम बात करें इसकी 4 point स्केल्स की, तो पहला A++ मिलता है अगर आप 4 तक हैं, देन A+ C26 से 550 के बीच में. नॉन एक्रीडेटेड है आपका 1.50, और भी करें तो आप और 25 points कम कर दीजिए A, देन सेम विद B++ इस तरीके से, ठीक है. तो ये आपके यहाँ 4 point स्केल तक जिसमें एक्रीडेशन का काम दिया जाएगा. अगर इसके 7 क्राइटेरियाज की बात करें तो करिकुलम जो आपका 150 मार्क्स का है, टीचिंग एंड लर्निंग 200 मार्क्स का, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन 250 मार्क्स का, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्टूडेंट सपोर्ट कैसा है, स्टूडेंट प्रोग्रेस कैसी है, देन आपका गवर्नमेंट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट 100 मार्क्स, एजुकेशन वैल्यू एंड प्रैक्टिस दैट इज 200 मार्क्स. तो आपको 1000 में से जिस तरीके से मार्क्स मिलेंगे उस तरीके से आपको A+ B+ इस तरीके से आपको स्केल दिया जाएगा. तो आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी. क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक.
लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।